तो गाइस अगर आपने फोटोज क्लिक करवानी है तो आपको यहाँ पे मतलब यहाँ टेम्परेचर -10 है यहाँ पे और हाथ बिल्कुल सुन हो चुके हैं। डिवाइस देखा जाए तो कुछ नहीं है, बस ये पकड़ के बैठो अपना, ये देख रहे हो ना आप, ये पकड़े बैठो बस, सेफ्टी वाइज सेफ्टी यही है। काफी ज्यादा ठंड हो रही है गाइस, पर मस्ट ऊपर टैक्सी जो जाएगी वो डीजल वाली नहीं जाती। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हम निकल रहे हैं शंभू लेक के लिए और वहाँ पे कल स्नोफॉल हुई है रात को काफी ज्यादा, और फिलहाल अभी मैं अंदर एक टी शर्ट और एक शर्ट डाल रखी है। चल के देखते हैं कि कितनी ठंड है और मैं आपको दिखाता हूँ शंभू लेक के कैसा है, क्योंकि स्नोफॉल कल रात को काफी ज्यादा हुई है तो जाने के बाद ही पता चलेगा। और शंभू लेक में क्या एक रोप वे चलता है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, तो हम फेज 3 तक जाएंगे, देखते हैं फेज 3 जाके ऊपर से कैसा व्यू आता है। और अभी हमने टैक्सी बुक कर दी एंडेक्स ऐप से, अगर आप अलमाटी आ रहे हो तो आप इंडेक्स ऐप डाउनलोड करके आना, तो आपका जो बजट मतलब कि टैक्सी अराउंड 500 रुपये में हो जाएगी। और शंभू लेक अभी जहाँ हम रुके हैं सामने हॉस्टल दिख रहा है, अराउंड 20 किलोमीटर है शंभू लेक, तो चलते हैं रास्ते में कवर करते हैं कि कैसा दिखता है शंभू लेक। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो अभी हमारी टैक्सी आ रही है वहाँ पे, हमने बुक कर दी है टैक्सी। सुना है शंभू लेक के बारे में और यूट्यूब पे भी देखा कि कैसा दिखता है, बट आज हम रियल में देखेंगे शंभू लेक कैसा दिखता है। अपनी आँखों से देखना वो अलग चीज़ है और एक वीडियो में देखते हैं वो अलग चीज़ है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं अपनी आँखों से शंभू लेक देखूँगा और वहाँ का व्यू देखूँगा। और फेज 1, फेज 2, 3 तक जाएंगे हम। गाइस हमने यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करा ली क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, तो हमने यहाँ से करेंसी चेंज करा ली है। और जो हमें यहाँ पे रेट दिया है वो 4.32 का रेट दिया है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड कार्ड है इंटरनेशनल, तो आप उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसमें आपका जो ट्रांजेक्शन जो अमाउंट है बस वो कटेगा। सबसे बेस्ट है कि आप ग्लोबल कार्ड्स हैं आप वो लेके आ सकते हो। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं। तो ब्रो कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है बस, ठंड तो लग रही है, बट हम काफ़ी ज़्यादा लेट निकले हैं क्योंकि नाइट पार्टी में थे हम, तो फिर आप समझ सकते हो और हमें जल्दी जाना था। चलते हैं, अगर एक्सप्लोर कर पाए अच्छे से तो अच्छी बात है, देन उस वहाँ जाने के बाद भी पता चलेगा कि एक्सप्लोर करते हैं नहीं। और वेदर तो आप देख रहे हो कि बारिश कभी भी आ सकती है। शंभू लेक आ रहे हो तो सबसे मतलब कि एक टूरिस्ट पैलेस है, सबसे बढ़िया यहाँ का शंभू लेक। अगर आप यहाँ पर नहीं गए हो तो आप अलमाटी मतलब कि कुछ भी नहीं घूमे, आप कोई भी अलमाटी आ रहे हैं तो आप शंभू लेक जाएँ। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि आप रोप वे से अराउंड 10-12 किलोमीटर आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको स्नोफॉल मिलेगी और वहाँ का जो व्यू है ना नेक्स्ट लेवल व्यू है गाइस। अगर आप आ रहे हो अलमाटी और शंभू लेक नहीं गए हो तो आपका अलमाटी घूमना वर्थ है। तो अलमाटी आ रहे हो तो आप शंभू लेक जरूर जाएँ। और अभी हम वेट कर रहे हैं, तो अभी टैक्सी आ रही है, टैक्सी अराउंड 4 मिनट में आ जाएगी। तो यहाँ पर टैक्सी आती है अभी, आपकी वायर दिख रही है आपको ऊपर, तो ये इससे अटैच है, इसी से चलती है ये। और जगह जगह पे इनके बस स्टॉप बना रखे हैं। कैब बुक करी थी और हम खड़े थे रोड पे, पर कैब वाले बिल्कुल हमारे हॉस्टल के आगे लेके आ गया है, तो हम घूम फिर के फिर यहाँ पे अपने हॉस्टल के आ गया है। तो लेट्स ही बैठते हैं और चलते हैं शंभू लेक। जिमी 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 आजा 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 इंडियन सॉन्ग्स चलते हैं, जिमी जिमी और तुम ही हो। हाँ। तो यहाँ के लोकल लोकल मतलब कि सब जानते हैं इस सॉन्ग को, जिमी जिमी हिंदुस्तान आते मस्जिद। Have you been to Delhi? Have you been to Delhi, India? Delhi? Yeah. Yeah. Jama Masjid. Hey, Jama Masjid aaye ho? Yeah. Delhi aaye ho kabhi? वेदर देख रहे हो बिल्कुल क्लाउडी क्लाउडी और स्नोफॉल हमें मिल सकती है ऊपर जाके, और क्लाउडी हो रहा है पूरा, कुछ नहीं दिख रहा, आप देख सकते हो दूर दूर तक। तो यहाँ से पता चलता है कि ठंड कितनी ज्यादा होगी ऊपर, और हमने जैकेट्स नहीं लिए तो हमारी तो फटने वाली है ऊपर जाके। हमें टैक्सी वालों ने यहाँ पे उतार दिया और यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर है, तो
डीजल वाली और पेट्रोल वाली टैक्सी नहीं जाती है। वेदर तो देख ही रहे हो ना आप, क्लाउडी वेदर हो रहा है पूरा, कुछ नहीं दिख रहा है। ऊपर टैक्सी जो जाएगी वो डीजल वाली नहीं जाती, इलेक्ट्रिक वाली तो वो जाएगी। तो अभी इलेक्ट्रिक टैक्सी लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे ऊपर। तो यहाँ से हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक, और ठंड मतलब कि ठंड है पर हमें लग नहीं रही है। और ऊपर जाके देखते हैं कि कैसा है। अभी आपको अभी ऐसा मौसम नीचे है तो ऊपर जाके तो ओबवियसली बात है कि ठंड होगी। तो चलते हैं टैक्सी पता करते हैं, यहाँ पे हमें ऊपर जाना है क्योंकि यहाँ पे डीजल और पेट्रोल वाली टैक्सी अलाउ नहीं है ऊपर जाने के लिए। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक वाली टैक्सी ली है और उसके बाद हम जाएंगे ऊपर। अराउंड मैक्सिमम यहाँ से अभी 10-12 किलोमीटर मीटर है शंभू लेक। टेंगे ले रहे हैं तो अराउंड हम 4% है तो 4000 टेंगे हो गए अराउंड। इंडिया के 1000 डिवाइड कर लेना आपको पसंद जाएगा। फाइनली आईडी हमने ये करी है 4000 टेंगे में। तो बैठते हैं और चलते हैं शंभू लेक। सो एक्साइटेड हूँ मैं। सो एक्साइटेड ब्रो? वेरी एक्साइटेड। यू ब्रो इंडिया? या इंडिया ब्रो। भाई गाड़ी देखो यार, गाड़ी बड़ी सी, गाड़ी जेन्युइन है, गाड़ी देख लो गाइस। नो इंग्लिश, यस ओनली रशियन। हम शंभू लेक पे आ चुके हैं और ये है गाड़ी। और अभी हमें थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा आगे साइड, फिर हम लेंगे वहाँ से रोपवे, फिर जाएंगे फेस वन, फिर फेस टू और फेस थ्री। फेस थ्री पे देखते हैं कैसी ठंड है। फिलहाल अभी तो यहाँ पे ठंड नहीं लग रही है क्योंकि बस फोग ही फोग हो रहा है और क्लाउडी हो रहा है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी पहाड़ों में ऐसे चढ़ रही है, और इंडिया में तो क्या होता है कि पेट्रोल की डीजल की गाड़ी चढ़ती नहीं है पहाड़ों पे, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी पहाड़ों पे चढ़ रही है। और यहाँ पे मालूम आपको ज्यादातर किया की और हुंडई की गाड़ी यहाँ पे दिखेगी। तो भाई ये मैप है आप देख लेना। हेलो, चलते हैं। तो गाइस वेदर तो देख ही रहे हो अब, क्लाउडी हो रहा है। नीचे हाथ चलते हैं और रॉबी की टिकट लेते हैं और चलते हैं ऊपर की साइड। स्नो तो आप देख ही रहे होगे कि स्नो है। आपको यहाँ पे फोटोग्राफर्स मिलेंगे, अगर आपको फोटोज क्लिक करानी है तो पर पर्सन 1000 टेंगे है और ऑन द स्पॉट प्रिंट करा के आपको ये दे देंगे यहाँ पे। तो अभी हम टिकट करते हैं भाई चल के वहाँ से, और आपको टिकट के प्राइस बताते हैं कि टिकट के क्या रेट्स हैं यहाँ पे। और ठंड तो हो रही है, चलते हैं टिकट्स बाय करते हैं। तो गाइस ये टिकट काउंटर है, अंदर चलते हैं और टिकट्स लेते हैं और देखते हैं चल के। ठंड तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है गाइस, पर यहाँ पे नीचे क्लाउडी है और हमें ऊपर जाके क्लाउड नहीं मिलेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या हालत होने वाली है हमारी, आप ब्लॉग में देख ही लेना। तो गाइस यहाँ पे हमने टिकट्स ले लिए हैं, पर पर्सन 5000 टेंगे। तो हम फर्स्ट सेकेंड तक ही जाएंगे, थर्ड क्लोज हो चुका है क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग 5:00 तक ही है। तो आप अगर आ रहे हो शंभू लेक तो आप मॉर्निंग में 10-12 बजे तक आप आ सकते हो यहाँ पे। तो हम जाएंगे फेज वन फेज टू तक, थर्ड तक नहीं जा रहे क्योंकि थर्ड क्लोज हो चुका है। तो गाइस ये हमारी टिकट्स आ चुकी हैं, ये बारकोड स्कैन होगा और हमारी एंट्री हो जाएगी। चलते हैं एंट्री करते हैं। सुनो ही सुनो है, ओहो पर अब मैं आ चुके हैं गाइस, देख लो स्नोफॉल हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्नो है और अभी हमें ऊपर जाना है, ऊपर जाके और यहाँ पे फिर उसके बाद फेस सिर्फ फेस चला भी नहीं जा रहा क्योंकि पैर स्किट हो रहे हैं।
पहले एंट्री कर रहे हैं दिस वन ओके तो फाइनली गाइस एंट्री हो गई है हमारी तो चलते हैं वेट करते हैं गाइस फिर तो नहीं जाएंगे इधर इनको बैठना पड़ेगा Yes. देख सकते हो मजे आ रहे हैं फुल मजे सेफ्टी वाइज कुछ भी नहीं है देखा जाए तो गाइज अभी हम जाने हैं फेज वन पे फिर जाएंगे फेज टू पे और फेज टू पे चल के देखते हैं कैसा वेदर रहता है क्योंकि हम जितना ऊपर जा रहे हैं और क्लाउडी क्लाउड कम होता जा रहा है तो आप पीछे देख सकते हो और सामने आपको दिख रहा होगा कि सूरज दिख रहा होगा तो चलते हैं ऊपर कवर करते हैं तो गाइस देख लो आप मिनी स्विट्जरलैंड आ चुके हैं गाइस हम मिनी स्विट्जरलैंड गाइस ठंड मतलब कि अब महसूस होने लगी है कि ठंड काफी ज्यादा है और ये देख लो स्केटिंग तो ठंड स्टार्ट हो गई हाथ बिल्कुल सुन हो चुके हैं और ठंड लग रही है और मतलब कि टी शर्ट में है बुरा हाल होने स्टार्ट हो चुका है अभी तो फेज वन भी नहीं पहुंचे हैं अभी फेज टू जाना है तो क्या बुरा हाल होने वाला है हमारा झटके कुछ ज्यादा लेती है भाई इतना झटके देगी तो भाई गलत ही है और सेफ्टी वाइज देखा जाए तो कुछ नहीं है बस ये पकड़ के बैठो अपना ये देख रहे हो ना आप ये पकड़ के बैठो बस सेफ्टी वाइज यही है सेकेंड पे जाके वहाँ पे देखते हैं क्या सेफ्टी होती है तो अभी मतलब कि क्लाउड कम हो गया आप देख सकते हो दूर दूर तक इस ब्यूटी की बात करें तो ब्यूटी मतलब कि नेक्स्ट लेवल की ब्यूटी है गाइस यहाँ पे आप देख लो दूर दूर तक ही स्नो है कुछ स्नो लेपर्ड मिल सकते हैं चांस है कि हमें दिख सकते हैं स्नो लेपर्ड वो किसी को हमला नहीं करते बहुत ही प्यारे जानवर होते हैं काफी ज्यादा ठंड हो रही है गाइस पर मजा आ रहा है ठंड ठंड भी है स्नो तो देख ही रहे हो आप कितनी ज्यादा स्नो हो रही है व्यू देख लो यहाँ पे व्यू तो गाइस हम फर्स्ट फेस वन पे आ चुके हैं और आप स्नो देखो यहाँ पे स्नो ही स्नो हो रही है इतना एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमने इतनी स्नो मिल जाएगी हमें यहाँ पे फर्स्ट फेस फर्स्ट वन में और काफी ज्यादा स्नो हो रही है यहाँ पे तो आप देख सकते हो व्यू गाइस उधर चलते हैं देखते हैं क्या है वहां पे चल के गाइज व्यू देख लो यहाँ पे आओ व्यू गाइज तो हम फेस टू पे आ चुके हैं और फोटो फोटो वीडियोस हमारी क्लिक हो चुकी हैं इतनी खूबसूरत जगह है गाइज मैं कहूँगा कि आप आओ गाइज यहाँ पे और व्यू तो देख ही रहे हो आप और ठंड इतनी हो रही है और टी शर्ट में और इसमें है बहुत ज्यादा ठंड हो रही है गाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा
बर्दाश्त नहीं हो सकती। माइंड टेम्परेचर -10 है यहाँ पे और हाथ बिल्कुल सुन हो चुके हैं, काम ही नहीं करे। बट आप लोगों को दिखाना था कि बोला भी नहीं जा रहा मुझसे कि क्या बोले, कुछ बोला नहीं जा रहा, वो सुन हो चुके हैं बिल्कुल। गाइस तो हम काफ़ी लेट आए थे नीचे से और 5 बजे बंद हो जाता है, तो और ऊपर भी जाना था पर हम नहीं जा सकते क्योंकि बंद हो चुका है। पर पर्सन 5,000 टेंगे अराउंड इंडिया के 1,000, तो कहीं भी हो गाइस आप देख सकते हो। तो फिलहाल अब चलते हैं नीचे और ठंड हो रही है, कहीं नीचे जाके बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं और कुछ खाते हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं अभी तक और हालत हो चुकी है ख़राब। तो अभी हमें वहाँ जाना, वहाँ से जाएंगे देन नीचे चलते हैं। बुरी हालत हो गई ठंड की वजह से, गलती हमारी है, हम जैकेट्स नहीं लेके आए हैं। अगर हम जैकेट्स लेके आते तो इतनी ठंड नहीं लगती हमें, ताकि इतनी ठंड होगी वहाँ पे, क्योंकि हम टेम्परेचर मतलब कि गूगल्स पे हमने सर्च किया था प्रॉपर अच्छे से कि वहाँ का टेम्परेचर 25 से 30 रहेगा, पर यहाँ पे आके पता चला कि टेम्परेचर काफ़ी कॉस्टली मिल रही थी, तो हमने यहाँ पे बाय नहीं की जैकेट्स। चलते हैं नीचे, कॉफ़ी पीते हैं, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और सर भी दर्द होने लग गया मेरा। तो गाइस गंडोला में बैठ चुके हैं, आते वक्त हमारी दूसरी गंडोला थी और जाते वक्त दूसरी है, पर इसमें ये ठीक है, बाहर की है, अंदर नहीं आ रही है और ठंड भी हमें कम लग रही है। आते वक्त तो हालत ख़राब होती है और हाथ भी सुन हो गए थे। तो कैसा लग रहा है तुझे भाई? मज़ा आ गया यार, ऐसी खूबसूरत जगह भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मलिक ब्रो भाई बहुत बेस्ट जगह है, हर बंदे को कज़ाकिस्तान आना चाहिए भाई। आना तो जैकेट अपनी वेयर करके आना, विदाउट जैकेट मत आना क्योंकि हम जैकेट पहन के आए थे तो हमारी हालत ख़राब हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। नीचे चलते हैं, कुछ टी कॉफी पीते हैं और उसके बाद अपने होटल में चलते हैं। उतरे गाइस, फाइनली हम नीचे आ चुके हैं और अभी एग्जिट करते हैं, एग्जिट करके चलते हैं कैफे में बैठते हैं, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, कॉफ़ी पीते हैं चल के। तो गाइस अगर आपको फोटोज़ क्लिक करवानी है तो आपको यहाँ पे मतलब यहाँ की लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस है तो आप यहाँ पे फोटोज़ क्लिक करा सकते हो। What's the price for photo clicking, bro? 3,000. 3,000 per person? Yes, only 2%. 2%. Couple. के लिए 3,000. शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते. धन्यवाद, नमस्ते. Yes. Yes. Спасибо. Спасибо, спасибо. Сюда камеры смотрим. Камера горит. Student? No. No. Tourist. Tourist. Oh, very nice. तो भाई अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे बैठते हैं और कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो भाई ये कॉफ़ी है यहाँ पे, कॉफ़ी थोड़ी है, पीते हैं और चलते हैं अंदर, मतलब कि गर्मी है काफ़ी, बाहर से तो काफ़ी अंदर ठीक है। हाँ तो फिलहाल गाइस कॉफ़ी पी चुके हैं और काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है तो मैं वीडियो को ही है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करे बिना मत जाना, आपने देख लिया होगा आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको हर चीज़ एक्सप्लोर करा रहे हैं तो मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करे बिना मत जाना। तो हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।